वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे जल ही बिखे समाहे।
जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया जिन हर जपया हर होए, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया के लाली, हर मिलया के लाली, हर मिलया के अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चले गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हर मिलया के लिख लाली, हर मिलया के लिख लाली, हर लाली।
जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया से हर होए, जिन हर जपया से हर हर मिलिया केल के लाली, हर मिलिया केल के लाली, हर के हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवे होंगे एक बेगाली, सतगुर शिव खरच हर पांदो, मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाले, हर के संत जपो हर जपना, हर जपना, हर के संत जप हो हर जपना, हर जपना हर के संत जपो हर जपना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहेगुरु 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 हर जपया से हर होए जिन हर जपया से हर होए जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर मिलया केल के लाली हर मिलया केल के लाली जपो हर 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 जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली हम साध जना पगराली हम साध जना पगराली हर जपया से हर होए जिन हर जपया से हर होए हाँ जिन हर जपया से हर होए Yeah.
हर मिलिया के लिख लाली 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 वाहे नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम आखो आए जप करना पड़ेगा निरंकार की सिफत करनी पड़ेगी ताकि ऐसी अवस्था तक पहुंचा जा सके जिथे जाके मन विश्राम कर जाए चुप हो जाए जिहड़ा इकला हो गया समझ लेना उस दिन रब दा रूप हो गया। धन गुरु नानक साहब ने सिद्धा नाल वार्तालाप की सिद्धा दे सवालां दा जवाब देंदिया धन गुरु नानक साहब ने गल कही सी रह एकांत एको मन वसिया आसा माहे निरासो आखो वाहिगुरु। एकांत किवें बनेगी मनुख चुप किवें होएगा अंदरला इकला किवें होएगा जदो आसा तो उपर उठ जाए चित विच इक वस जाए। सूफी संत होए हाफिज बड़ी उच्ची अवस्था दे मालक ने दोनों समय कथा करदे सी दस दस हजार दी गिनती विच इकट्ठ हुंदा सी। हाफज दे बड़े नजदीकी निकटवर्ती सेवक सन इब्राहिम एक सवाल कीता अपने मुर्शद ते अल्लाह ताला की है ते इसकी प्राप्ति किवें हुंदी है आखो आए हुए। हाफज चुप हो गए। कुछ दिनों तो बाद इब्राहिम ने फिर यो सवाल रिपीट कीता अल्लाह ताला की है ते उसकी प्राप्ति किवें होएगी। हाफिज फिर चुप ने। कुछ दिनों तो बाद इब्राहिम अपने मुर्शद नूं कहण लगे या तो मैं मूर्ख हाँ या तुहाडे पास मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। सूफी संत हाफिज कहण लगे मैं कदे नहीं कहांगा तू मूर्ख है। इब्राहिम जदों भी सवाल किया मैं तैनू जवाब देंदा रहा। तो इब्राहिम कहते तुसी चुप होंदे सी जवाब कदे नहीं दिता। तो संत हाफिज कहन लगे मेरा चुप ही जवाब सी अबोल ही जवाब सी तेरा मन भी दिन रात बोली जा रहा तेरी रसना भी बोली जा रही है। जिस दिन तेरा मन चुप कर जाएगा तेनू समझ आ जाएगी अल्लाह ताला की है ते उसकी प्राप्ति किवें होंदी है। सुपनियां विच भी साडा मन नहीं चुप हो रहा ते जदों ये शब्द सुने इब्राहिम कहन लग्या बड़ी औखी खेड़ जे मन चुप हो जाए। ते हाफिज कहन लगे तेरे सवाल का जवाब देना भी बड़ा औखा है चुप ही नहीं हो रहा मन हूं भी चुप कर जबान चुप कर। एक राजा परथरी हरी होए पिछले जन्म के संस्कार चंगे सन ये भगती दे राह दे तुर पे राज भाग छड़ दिता बैरागी हो गए। एक दिन उदयपुर के राजे नूं कहन लगे जदों मैं सत दे विच नमक अते पानी पा के पीना ना इतना रस आ रहा है राजन 36 प्रकार के भोजनों विचों नहीं आता। कारण इको है मन चुप हो गया स्वादों तो उपर चले गए। पातशाह भाई नंद लाल जी लिखते हैं बड़ी उच्ची उडारी है उन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के निकटवर्ती बड़े प्यारे हैं कहन लगे परमेश्वर की याद चित विच वस जाए
हथ कार वाल चित यार वाल ऐसी रौ बन जाए उसकी याद ही ना भुले अंदर उसके नाम की रौ चली जाए। जाप सो अजपा जापै एक ऐसी अवस्था जे हट्टी ते बैठा होया भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। पाई बनो जी हट्टी ते बैठे ने ब्रह्म की अवस्था जे अंदर नाम की रौ चल रही है। जिस दिन मन विश्राम करेगा मन चुप होएगा ना अनहद नाद अंदर सुनना शुरू हो जाएगा। वह धुनिया जिड़िया कदे सुनाई नहीं दिखाई वड़दियां ने अंदर ये सुनाई देंदियां है पर जदों मन चुप होएगा जितनी देर तक मन चुप नहीं हो रहा नहीं अंदर सुनाई जाएगा कुछ। भगत किसनों कहते हैं संत किसनों कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी किसनों कहते हैं किसे लिबास का नाम नहीं है किसे पहरावे का नाम संत नहीं है। संत एक अवस्था है भगत एक अवस्था दे ब्रह्म ज्ञानी एक अवस्था है। अवस्था की है जिसका मन चुप हो गया वह संत हो गया वह ब्रह्म ज्ञानी हो गया वह भगत हो गया। जेरे डेरे अते गोलकां लई लड़ रहे हैं वह संत नहीं हैं गद्दियां लई लड़ रहे हैं वह संत नहीं हैं। संत ही है जिसका मन चुप हो गया बस विश्राम कर गया। अज उन्हां गुरमुखां दी याद मना रहे हैं पंथ रतन पातशाह पजस्वी सिंह जी खालसा खन्ने वाले अति सत्कारयोग बाबा संतोख सिंह जी ज्योति स्वरूप वाले जो सेवा सिमरन ते परोपकार दी मूर्त ने जिन्हां दा मन विश्राम कर गया। जप करदिआं करदिआं उसे विच लीन हो गए शब्द रूप हो गए। और फिर भगत किवें बनीए भगत की की अवस्था है पहले एक शब्द पढ़ा तेरे आं भगतां को बलिहारा भगतां को बलिहारा तेरे भगता को बलिहारा तेरे भगता को बलिहारा तेरे भगता का
तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने जिसनो कृपा कर है मेरे प्यारे सोई तुझे पछाड़े थान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा रंग तेरे तेरी सेवा तुझते हो अवर न दूजा करता भगत तेरा सोई तुद भावे जिसनो तू रंग धरता भगत तेरा सोई तुद भा
भगता का बलिहारा तेरा भगता का
तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है भाड़ा, कौ नानक टह पया दुआरे, रख लियो मुकुट अजाना, रख लियो मुकुट अजाना, रख लियो मुकुट अजाना, भगत कौन है? पाओ अंकत नूं कहिंदे हन भगत, चिश्ती अंदर भावना प्रगट हो गई, श्रद्धा बन गई। गुरमुख भगत करें गुण गावें, अनंदे नाम बखाने, भगत दिन रात उसकी सिफत विच रहिंदे हन याद विच। भगतां की सार करें आप राखें, जो तेरे मन पाने आखो वाहे, वो तैनू पा गए, असीं भी उसनू पाना है, प्रवान होना है, वो सानू कबूल कर सके। ते भगत किवें होए प्रवान? भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीरत गावदे आखो वाहेगुरु, तेरे दर ते तैनू गा रहे हैं, ते जिहड़े गा रहे ने प्यार नाल वो तैनू पा गए, प्रवान हो गए। शरदा एक दिन भगती का रूप धारण कर जाती है, ते भगत भगती करदे आ भगवान ही हो जाता है, रब ही हो जाता है। नारायण के दर्शन करने ने कितने होणगे, भगत नामदेव दे विच्चों ही नारायण के दर्शन कर लो, नामे नारायण नाही भेद, एक रूप हो गए करने ने नाम दे दर्शन कितने होणगे। कबीर दे विच्चों ही राम दे दीदार होणगे, कितने जाण दी लोड़ नहीं। जप करदियां करदियां अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सके पछाने। कौन कहेगा हुण राम हो रहा है ते कबीर हो रहा है, ऐसे सिंघासन ते बैठे दर्शन होणगे कबीर विच्चों राम दे। तुसीं भगती दे राह ते तुरना है, गुरु नानक दा राह है प्रेमा भगती दा राह, सात संगत भोजन की बुरकी मुख विच पाईदी है ना, फिर खून ते मास बनता है। ते असी कहीए जी असी बाद विच नाम जपना शुरू करांगे, रस पहला मिलना शुरू हो जाए, अंदर प्रकाश हो जाए, ये नहीं होना।
रसना द्वारा वाहिगुरु वाहिगुरु पहले जपना पड़ेगा, रस बाद विच आएगा, अंदरला टिकाऊ विच बाद विच आएगा। कोई कही जाए जी दिल साफ करके गुरुद्वारे जाओ, अज तरह तरह के सवाल हो रहे हैं, मन साफ चाहिए, हिरदा साफ चाहिए फिर गुरुद्वारे जाओ, बड़ी गलत गल है। सत संगत विच मैं इसलिए जाना है उत्थे आके मेरा मन साफ होना है, कीर्तन सुन के साफ होना है, गुण गा गा के मेरे मन की महल उतरेगी। जे पहले ही मन साफ हो गया फिर कितने गल, ये मन साफ करने लिए तो सारे साधन ने। गुरुद्वारे इस करके जाना है चित बिरति एकाग्र हो जाए, ते सत्संग करदे एक दिन आएगा मन टिकना शुरू हो जाएगा, रस आएगा, अंदर प्रेम की तरंग पैदा होएगी। पर गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, चित ला के बैठना पड़ेगा, अपने आप नहीं होना। और समानी दास इस विषय से खुल के विचार कर सके, एक पहलवान की तुसी उस्तत करनी शुरू कर दे। कोई पहलवान की उस्तत करन वाला पहलवान नहीं बन जाएगा, किसी हुक्मरान की तुसी तारीफ करनी शुरू कर दे हुक्मरान नहीं बन सकते, किसी धनवान की सिफत करनी शुरू कर दे धनवान नहीं बन सकते। पर मैं गुरु की हजूरी कह दिया भगवान की सिफत करनी शुरू कर दे तुसी भगवान हो जाओगे, भगवान ही बन जाओगे। ते गुरमुखा ने वो कुछ किया, भगतां ने वो कुछ किया। सालाही सालाहा सिफत करते गए इतनी सुरत ना पाइया नदियां अतै वाह पवे समुद्र ना जानिए, नदियां ते नाले समुद्र वाल मुख करके तुर पाए ते समुद्र विच ही समा गए। शिव सलाह करन वाले उसे विच लीन हो जाते हैं, उसे दा रूप हो जाते, कोई नहीं कहेगा हुण अंतर है कोई, समाउण आए हैं ना सी लीन होण आए हैं, जिन्हां दी याद मिला रहे हो उस समाए हुए हैं। नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाए, भुल के भी उन्होंने ना कहना मरे, वो सदी भी हैं सदा हैं, जिहड़े लीन हो गए उसे भी समाए हुए हैं। जे समाउण दी को जुग जे गुण गावत गुणी समौला आखो वाहिगुरु, जे गुणा दे निदान दे विच लीन होना है फिर जुगत एको ही भाई साहब समझाते सी, रजा दे कर जान लई विस्माद दे कर जान लई इको रस्ता जे वह है सिर्फ सलाह का रस्ता। तू सच्चा साहब सिर्फ सवाले हो जिन कीती सो पार पया। कल तन गुरु नानक साहब का पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं, तो गुरु नानक साहब ने पूछा तुसी किवें पाया है कि योग्यता है, सतगुरु नानक देव ने कह दिता नानक सत सलाहे पूरा पाया, पूरे दी सिफत की पूरा मिल गए। गाँदे गए गाँदे गए गा गा के रजा रहा, पूछया धन गुरु अंगद देव महाराज ने तुसी किवें रजाया है तुहानू किवें मिलया, तो उन्हें भी एको गल कही देखिया आख बुझाया सिफती सच समयो, जे सच विच लीन होना फिर राह है सिफ सलाह का, कोई सैकंड रस्ता नहीं जे इधर रह जाएंगे। भाई साहब भाई वीर सिंह बड़ा सुंदर लिख गए जेड़ा रस्ता तुसी जिउंदिया बना लिया शरीर छड़न तो बाद रस्ता वही रहेगा, तेरा एको ही है उस ते गुण गाई है, ज्यों ज्यों गुण गाते जावांगे गुण गावत तेरी उतरस महल बिन सजाए होमे, यह होमे नहीं मिलन देती यह भी छोड़ी बैठी है। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही, ते होमे कटी जाएगी केवल वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमे खोई, ये मैनू वाहिगुरु जपना पड़ेगा, गुरबाणी की टेक लैके निरंकार की वडियाई करनी पेगी,
ज्यों ज्यों उसनों वड्डा वड्डा आखते जाओगे की होएगा, एक दिन वड्याई वड्डा पाया, एक दिन वड्डा मिल जाएगा। भगतां ने कुछ किया, गुरमुखा ने इसे रस्ते नूं अपनाया है, उन्हां दी जुगती ऐसी। आप ऐसे करके रोजाना अरदास भी उन्हां नूं याद करदे ना, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। गुरु कृपा करे असीं गुरमुखां दी मिठी प्यारी याद मना दे, इह जुग सानूं प्राप्त हो सके, अमृत वेला संभालीए। घट्टो घट सवा घंटा भाई साहब कहिंदे सन निजी अभ्यास विच बैठीए, पौणा घंटा शरीरक मंडल विच रहिंदे आ असीं। सुरत जो है 45 मिनट तो बाद भाई साहब कहिंदे सन फिर परले मंडलां विच जांदी है, ते निजी अभ्यास घट्टो घट सवा घंटा चाहीदा है सुरत ते शब्द दा। कुछ समा वाहिगुरु मंत्र बोल के सुनो, फिर शब्दां द्वारा निरंकार दी सिफ सलाह ते बेनतियां। धोखा इको ही जै होमे दा, ते जिउंदिया ये धोखा उतर सके, परमात्मा दे विच मिलाप हो सके, मन ते धोखा तां लहै जब सिफत करी अरदा। ये दो काम करने पैणगे, अमृत वेले उठ के उसकी सिफत करनी पएगी, बेनतियां करनियां पैणगियां, जोदरियां करनियां पैणगियां, तरले कढ़ने पैणगे, लिलकड़ियां कढ़नियां पैणगियां। जिस दिन हिरदे दे विचों पुकार निकली ना, मैनू बख्श लै, अपना बना लै, उसने नेड़े होके पुकार सुन ली, गलवकड़ी विच लै लएगा। प्रे अंक अंक मिलाए, फिर कोई वित नहीं रहनी। जे असी करना है कोई निगोरा ना रहे, गुरशब्द प्रचार सभा जलंधर ब्रांच वालों जो हर महीने दे अखीरले पहले एतवार दूसरे एतवार सेंट्रल टाउन गुरद्वारा साहब विखे 11 बजे अमृत संचार होंदे हन, जो भाई साहब ने बूटे लाए, जिथे अमृत वेले सिमरन साधना की लड़ी पिछले 17-18 सालों तो निरंतर चल रही है। इसत्री सत्संग सभा के प्रोग्राम भाई वीर सिंह अकैडमी राही बच्चों के अंदर गुरमत की चेतना पैदा हो सके, उन्होंने जीवन का आधार गुरसिखी वाला बने, इस राह ते तुर सकन, एक लगातार यतन किए जा रहे हैं। उसे लड़ी विच अज मंगलवार जो गुरशब्द प्रचार सभा वालों हफ्तावारी कीर्तन के समागम रखे जाते हैं, गुरमुखों की याद में सत्कारयोग सरदार हरबंस सिंह जी एडवोकेट समूह परिवार को सतगुरों ने सेवा बख्शिश की है। गुरु कृपा करे जी, अमृत छकीए निगुरे नहीं रहना, गुरु के दसे हुए राह ते तुरीए, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ लई समर्पण होइए। श्री अकाल तख्त साहिब की रहन में हेठां असी अपने आप को समर्पण करना है, तन गुरु ग्रंथ साहिब का वध तो वध सत्कार करना है।